हल्द्वानी में लापता युवक एक साल बाद मिला, जिससे माता पिता के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल करीब 8 महीने पहले हल्द्वानी के समाज सेवी योगेश जोशी को सड़क किनारे विक्षिप्त अवस्था में एक युवक बैठा दिखा था। ऐसे में योगेश ने सामाजिक फर्ज निभाते हुए युवक को सेवा केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ उपचार के बाद युवक की हालत में कुछ सुधार हुआ है। उसके बाद युवक ने पूछताछ में अपने और अपने परिवार की जानकारी दी। वहीं पुलिस ने आंध्र प्रदेश पुलिस से संपर्क कर युवक के माता पिता को खोज निकाला। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर 8 माह पूर्व मुझे यह विक्षिप्त अवस्था मिला था, जिसका हमने उपचार कराया। अभी 1 महीना पहले डॉक्टर साहब ने मुझे बताया कि ये अपना पता बताने की स्थिति में है, तो मैं वहाँ तत्काल गया। इसने अपना नाम शेखर बताया, पिताजी का नाम बताया, माताजी का नाम बताया और अपना जिला जनपद बताया। उसके आधार पर SOG प्रभारी जो हमारे हैं नंदन रावत जी, उनको मैंने इनके बारे में पूरी डिटेल वगैरह दी और तत्काल उन्होंने क्या कहते हैं इनके बारे में पता लगाया और सौभाग्य से आज इनके माता पिता और इनके कहते हैं भाई इनको लेने आए हैं। सामाजिक कार्यकर्ता योगेश जोशी जी हमारे संस्थान में मानस में लेके आए थे और अभी ये 3 माह पूर्व इसने अपना सारा एड्रेस और वो सब बताया, तो मैंने उनको इसकी जानकारी दी। तो उसके आधार पर फिर नंदन रावत जी के द्वारा इसकी खोजबीन की गई। यह एक प्रकार का मानसिक रोग है, उससे ग्रसित थे। कुप्पम चित्तौर डिस्ट्रिक्ट VS राजशेखर रेड्डी का, जगनमोहन रेड्डी का CM हमारा गांव का। कहाँ मिला आपको लड़का? लड़का कहाँ मिला आपका बेटा? आपको हम इधर मिला है।